हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ आवर स्केलेटल सिस्टम। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट स्केलेटल सिस्टम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड अबाउट देयर फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो थिंक ऑफ द थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू। नाउ थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू। Isn't your list much longer? So our body is more efficient than any man-made machine. So now think of all the functions that your body performs, and so many of them at the same time. So how do we hear? How do we see? How do our heart beat? And how is our food digested? How do we remember things? And let us understand how our body works. तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमें मैन मेड मशीन से कंपैरिजन किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं और जो हम परफॉर्म करते हैं, तो उसकी लिस्ट जो है वो सेम है, वो कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्गन सिस्टम। सो आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच ऑफ which performs special functions. The lungs, the hearts, the kidneys and the brains are some of the major organs of our body. तो हमारी body जो है बहुत से parts से मिल के बनी हुई है, और हर एक body part का क्या होता है, अपना अलग अलग special function होता है। और main body parts कौन कौन से हैं, lungs है, heart है, kidney है, brain है, ये क्या है, हमारे major organs है body के। So these organs have to work like a team in order to keep the body fit. The team work of our bones and muscles is amazing. Working together they make our body an efficient machine. तो यहाँ पे क्या है, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं ये जितने भी organs हैं आपके। तो bones और muscles जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो साथ में work करती हैं और हमारी body को एक machine की तरह, ठीक है, उसको काम करने के लिए हेल्प करती हैं। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम। तो अलग अलग ग्रुप क्या करते हैं, एक साथ मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एंड मस्कुलर सिस्टम कीप्स आवर मसल्स स्ट्रांग एंड गिव अस स्ट्रेंथ। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है, मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर क्या है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। एंड द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, आवर मोमेंट एंड इवन आवर थॉट्स एंड इमोशन। और हमारा क्या करता है, नर्वस सिस्टम किस में वर्क करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट को, और उसमें थॉट्स जो होते हैं, इमोशंस चलते रहते हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी क्या है, अलग अलग सिस्टम है जो कि अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, हमारा ह्यूमन जो स्केलेटन है वो क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है, बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। This framework of bones includes and protect all the internal organs and give support, strength and shape to the body. तो ये framework जो होता है वो क्या करता है, हमारे body में जितने भी internal organs होते हैं उसको क्या करता है, support करता है, protect करता है, उसको shape देता है, ठीक है, strength करता है हमारी body को। An adult human has 206 bones of different size, shapes इन हिज बॉडी, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी में हैं कितने बोन्स होते हैं, 206 होते हैं, ये अलग अलग साइज के एंड शेप के होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ स्कल, द बैकबोन, रिब केज एंड टू पेयर्स ऑफ लिम्स। द फोर लिम एंड आर्म्स एंड द हैंड लिम्स और लेग्स, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन स्केलेटन में क्या होता है, स्कल होता है, बैकबोन है, रिब केज है, टू पेयर्स क्या है, लिम्स होते हैं। यहाँ आप देखो, दिस इज़ फिगर ऑफ स्कल एंड
नेक्स्ट इज द बैक बोन एंड दिस इज रिब केज। ठीक है, ये रिब केज का इमेज है और यहाँ पे आप देखो ये कौन सा है, ये आपका फोर लिम्स है। ठीक है, जो आर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोर लिम्स बोलते हैं। एंड हाइंड लिम्स किसको बोलते हैं, लेग्स को बोलते हैं। ये लिम्स किससे अटैच होते हैं, गर्डल से होते हैं। ठीक है, एक शोल्डर शोल्डर गर्डल होता है एंड हिप गर्डल होता है। ठीक है, ओके, फर्स्ट इज अबाउट स्कल। ठीक है, स्कल के बारे में देखते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, ईच फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर इंक्लोज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट। देयर आर 40 बोन्स इन द फेशियल रीजन एंड अमॉन्ग देम ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। तो यहाँ स्कल में कितने बोन्स होते हैं आपके, 22 बोन्स होते हैं। ठीक है, वो फ्लैट होते हैं और इंटरलॉक्ड होते हैं एक दूसरे से, और किसको सेव करके रखते हैं अंदर, ब्रेन को सेव करके रखते हैं। यहाँ आप देखो ये स्कल का इमेज है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन जो हमारा वो होता है प्रोटेक्टेड रहता है। ये फेशियल बोन्स हैं, इसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं। एक जो होता है कौन सा, ये बोलने में हेल्प करता है हमारे। नेक्स्ट इज द बैक बोन और स्पाइन। बैक बोन में देखिए, द स्कल इज अटैच टू द बैक बोन विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस टू द स्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल वर्टिब्रा विच फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, बैकबोन है, बैकबोन यहाँ देखिए इसमें क्या होती है, 33 जो होती हैं स्मॉल बोन्स होती हैं, और ये किसको सेव करके रखता है, स्पाइनल कॉर्ड को सेव करके रखता है। ओके, नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज में क्या होता है, 12 पेयर्स होते हैं बो शेप्ड में। ठीक है, यहाँ आप देखो रिब केज में क्या है, आपके बो शेप्ड की बोन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, हमारे हार्ट को, लंग्स को, इन सब को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ये। फॉर्म अ केज एंड इनक्लोज द हार्ट एंड द लंग्स। द रिब्स आर डेलिकेट कर्व्ड बोन्स विच आर जॉइंट टू द बैक बोन एंड द ब्रेस्ट बोन। द लोवेस्ट टू पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स आर जॉइंट टू ओनली टू द बैक बोन। तो ये जो लोवेस्ट जो होती हैं टू पेयर बोन्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ये किससे ज्वाइन होती हैं आपकी, बैक बोन से ज्वाइन होती हैं। नेक्स्ट इज अबाउट लिम्स। द फोर लिम्स, उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, ये किससे ज्वाइन होता है आपका, स्पाइन से होता है विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड अ पेयर ऑफ कोलर बोन्स। तो ये जो आर्म्स होती हैं वो किससे, शोल्डर गर्डल से आपकी अटैच्ड होती हैं, और फिर उसके बाद इसमें ब्लेड्स होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं, एक पेयर होता है कॉलर बोन्स का। द पावरफुल टाई बोन कॉल्ड फीमर बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। तो हमारे जो सबसे बड़ी बोन होती है हमारे बॉडी में, वो कौन सी होती है, फीमर होती है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी का जो वेट होता है उसको मतलब उसका बेस का काम करती है। ठीक है, उसी वही अपलिफ्ट करती है उसको। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, और ये लॉन्गेस्ट बोन है। द फीमर फिट्स इन टू द हिप गर्डल विथ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये हिप के साथ आपकी जॉइंट होती है फीमर, फिर उसके बाद किससे, यहाँ पे सॉकेट होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिससे ये कनेक्टेड होती है नी से। द लॉन्ग बोन ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो एंड आर फिल्ड विथ अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस बोन मैरो। ठीक है, तो ये जो हमारा बोन होता है लॉन्ग बोन, उसमें क्या होता है, हॉलो होता है, ये बीच में खाली होता है और इसमें फैटी सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है आपका, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। अब स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, द बोन्स ऑफ द स्केलेटन गिव शेप स्ट्रेंथ सपोर्ट टू आवर बॉडी।
They also protect the internal organ. The skull covers the delicate brain. The eyeballs rest inside the bony eye socket. ठीक है, तो ये बोन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है. फिर उसके बाद हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. हमारे डेलिकेट ब्रेन को स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है. आई बॉल हमारी रेस्ट करती रहती है, किसमें, बोनी आई जो सॉकेट आपका बना है उसमें ये क्या करती हैं, रेस्ट करती रहती हैं. द बैक बोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट हार्ट. ठीक है, तो ये आपका क्या है, बैक बोन जो है उस किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, और रिब केज जो है आपका वो किसको करता है, हार्ट को और लंग को करता है. द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप ग्रेडल. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल. ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है. वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो इन हॉलो बोन्स. तो आपके जो बोन हॉलो होते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, RBC एंड WBC. ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स फाइट फॉरजन ऑर्गेनिज्म दैट इनवेड आवर बॉडी. ये क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, किससे फाइट करती हैं, जो बॉडी में आपका ठीक है डिजीज़ कॉज करता है, कुछ भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है, तो वो उससे फाइट कौन करता है आपका, WBC वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, कॉर्पस सेल्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स. अ जॉइंट इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स. तो एक जॉइंट, जब आपका दो जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, एक जगह आके मिलती हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, टिश्यूज से ये कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं. देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी. ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल. तो जो भी जॉइंट्स होती हैं हमारे बॉडी में वो क्या होती हैं, मूवेबल होती हैं. ठीक है, मूवमेंट होती रहती है उसमें, किसको छोड़ के, स्कल को छोड़ के. आपका द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड. तो वो वहाँ की बोन जो स्कल की हैं, बोन्स कैसी होती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं और इसीलिए वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है. द मूवेबल जॉइंट्स नेक्स्ट इज द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव स्मूदली बिकॉज ऑफ अ फ्लूड विच एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी. तो यहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स जो आपके कौन सी हैं, जो मूवमेंट करती रहती हैं, उसके बारे में बता रहा है. यहाँ पे फोर टाइप्स की हैं. पहला क्या है, द हाई जॉइंट, सॉरी द हिंग जॉइंट. अ हिंग जॉइंट इज लाइक द हिंग इन अ डोर. इट कैन मूव द बोन्स ओनली इन द वन डायरेक्शन. द एल्बो नीज फिंगर टोज हैव हिंग जॉइंट. तो ये हिंग जॉइंट क्या होती है, आपका जैसे दरवाजे में होता है, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में खुल सकता है. ठीक है, तो जैसे आपका एल्बो है, नीज है, फिंगर है, टोज है, ये क्या होते हैं, इसमें ऐसी जॉइंट होती है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में आप नहीं मूव कर पाओगे इसको. नेक्स्ट है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट एज डिस्प्लेड बाई बैलेट डांसर. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है आपका, ये इसमें मैक्सिमम मूवमेंट होती है, बहुत ही ये मूवेबल होता है. जैसे ये आपका बैलेट डांसर होते हैं, ये क्या करते हैं, वन बोन दैट एंड्स इन अ बॉल फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर. हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप्स. ठीक है, तो आपका हिप जो है और शोल्डर जॉइंट है, ये इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट इज द पाइवोट जॉइंट. द पाइवोट जॉइंट is found between the skull and the first two vertebrae of the spine. तो pivot joint कहाँ मिलता है आपका, skull में. ठीक है, जो आपका पहले दो vertebrae जो हैं, ठीक है, spine में, वो वहाँ पर भी ऐसी joint मिलती है. The uppermost vertebra in the neck is called atlas. तो आपका जो uppermost vertebra है उसको हम क्या बोलते हैं, atlas बोलते हैं. वी कैन मूव आवर हेड साइड वे. साइड वे से करते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं, डाउनवर्ड कर सकते हैं,
इसी की वजह से, ठीक है, पाइवोट जॉइन की वजह से ही हम मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लाइंडिंग जॉइंट। द ग्लाइंडिंग जॉइंट अलाउ मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। ये रिस्ट और एंकल में जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है, ठीक है, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। एंड ऑल्सो बिटवीन द टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। इट अलाउज आवर बोन टू बेंड, ट्विस्ट, टर्न एट ईच जॉइंट। वॉट वुड हैपन इफ योर बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ जस्ट वन लॉन्ग बोन? इट वुड मेक यू लुक एज स्टिफ एज अ स्केयर क्रो। तो अगर आपका जो बैकबोन है उसमें ये जॉइंट नहीं रहता तो वो कैसा रहता? आपका जो स्केयर क्रो आप देखे हो खेत वगैरह में, ठीक है, फील्ड में होता है, ताकि किससे प्रोटेक्शन हो सके, कौवे वगैरह चिड़िया वगैरह नहीं आ पाए वहाँ पे, तो स्केयर क्रो लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह हम अगर बैकबोन हमारी नहीं होती, मूवमेंट उसमें नहीं होती, तो क्या होता, हम स्क्वायर क्रो की तरह ही दिखाई देते। नेक्स्ट इज मसल्स एंड मूवमेंट। सो मसल्स कौन कौन सी होती हैं और उसमें मूवमेंट कैसे होते हैं? द मसल्स इन द बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। देयर आर अबाउट 650 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, एंड ईच वन कॉज पर्टिकुलर मूवमेंट। और सबका अलग अलग पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। मसल्स क्या करती हैं, बेंड करती हैं आर्म्स को, नीज को, पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल, अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स, हेल्प अस टू च्यू आवर फूड एंड मेक आवर हार्ट बीट, ठीक है। तो ये सब वर्क करने में क्या है, हमारी मसल्स हमारा हेल्प करती हैं। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडोंस, ठीक है। तो ये टेंडोंस से बोन जो है मसल से अटैच्ड होती हैं। दीज फाइबर्स बिकेम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या होगी, फाइबर जो ये आपकी स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा सो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।